नमस्कार, सिल्क टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुरुचि गौर। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस स्पॉन्सर्ड बाय ऑक्सीमीन ग्रुप ऑफ कंपनीज, प्लॉट आसान मासिक किस्तों पर। भागलपुर में राष्ट्रीय लोक अदालत का हुआ आयोजन, हजारों वादों का ऑन द स्पॉट हुआ निष्पादन। ऑटो और मैजिक के बीच भीषण टक्कर में एक की मौत, चार की हालत गंभीर, आक्रोशित लोगों ने किया सड़क जाम। रेडीमेड दुकान में पुलिस का छापा, भारी मात्रा में अमूल कंपनी की नकली गंजी बरामद, दुकानदार गिरफ्तार। विकास योजनाओं को लेकर डीआरडीए सभागार में हुई बैठक, डीएम ने सभी बीडीओ को कार्य में तेजी लाने के दिए निर्देश। और 17 जुलाई से शुरू होगा विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला, गंगा घाट पर तैयारी अधूरी, कांवरियों को होगी परेशानी। और अब खबरें विस्तार से। भागलपुर व्यवहार न्यायालय परिसर में शनिवार को जिला विधिक सेवा प्राधिकार की ओर से राष्ट्रीय लोक अदालत शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन जिला एवं सत्र न्यायाधीश अरविंद कुमार पांडे, जिलाधिकारी प्रणव कुमार, एसएसपी आशीष भारती, एडीजे प्रथम कुमुद रंजन सिंह, एडीजे द्वितीय विनोद कुमार एवं डीबीए के चेयरमैन अभयकांत झा ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। अपने संबोधन में जिला जज एके पांडे ने कहा कि प्रत्येक 3 माह पर राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाता है, जिसमें फीस नहीं लगती है, और यदि लगती है तो उसके रिफंड का प्रावधान भी है। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें किसी पक्ष की हार नहीं होती है। दोनों पक्ष न्यायिक पदाधिकारियों की मदद से आपसी सुलह समझौता से मामले का निष्पादन करा पाते हैं, जिससे दोनों पक्ष की जीत होती है। साथ ही इसकी सफलता के लिए सभी न्यायिक पदाधिकारियों के साथ लोक अदालत में शामिल होने वाले विभागों और वादी का भी आभार व्यक्त किया। डीएम प्रणव कुमार ने कहा कि जिला जज की देखरेख में काफी मुस्तैदी से राष्ट्रीय लोक अदालत की तैयारी की गई है और इसके माध्यम से हजारों लंबित मामलों का निस्तारण होता है। उन्होंने कहा कि भारत में पूर्व से ही परमेश्वर की परिकल्पना रही है, जिससे पेंडिंग के समय पर और आपसी समन्वय समझौते से सुलझाया जाता है। कार्यक्रम को एसएसपी आशीष भारती, एडीजे फर्स्ट एवं सेकेंड, डीबीए चेयरमैन एवं डॉक्टर हेमशंकर शर्मा ने संबोधित करते हुए अधिक से अधिक संख्या में लंबित का निष्पादन कराने एवं लोक अदालत के महत्व के बारे में जानकारी दी। धन्यवाद ज्ञापन करते हुए जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव प्रवाल दत्ता ने कहा कि पूर्व में आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में भागलपुर बिहार में दूसरे स्थान पर रहा था। मंच संचालन रमन कर्ण ने किया। इस अवसर पर काफी संख्या में न्यायिक पदाधिकारी, कई विभाग के अधिकारी एवं काफी संख्या में वादी मौजूद थे। वहीं राष्ट्रीय लोक अदालत में बनाए गए 17 बेंचों पर न्यायिक पदाधिकारी, संबंधित विभाग के अधिकारी की मौजूदगी में दोनों पक्षों के समक्ष आपसी समझौता कर मामले का निपटारा किया गया। इस दौरान बैंक, बीएसएनएल, मोटर एक्सीडेंट, आपराधिक मामले, दीवानी मामले के अलावा अलग अलग विभाग से संबंधित मामलों के लिए अलग अलग बेंच बनाई गई, जिस पर लोगों की भीड़ उमड़ी रही। जनता है जो पीड़ित है, वो पक्षकार एक टेबल पे आ करके हम लोग सुलह समझौता के आधार पे अपने वादों का निस्तारण करें। हमारे पूर्व वक्ताओं ने पहले इसके विषय में आपको तमाम खूबियों की जानकारी दी, इससे क्या फायदे हैं। संक्षेप में मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूं कि इसमें सभी प्रकार के सुलहनी आपराधिक मामले, सभी प्रकार के दीवानी मामले, क्लेम केसेस, मोटर एक्सीडेंट क्लेम केसेस और विभिन्न प्रकार के वादों का निस्तारण किया जाता है। इसके निस्तारण में सबसे बड़ी बात यह है कि दोनों पक्षकार हमारे जीतते हैं, कोई हारता नहीं है, इसकी कोई अपील नहीं होती है। यदि इसमें कभी कोई हो, उसमें आपको सुलह समझौता करने में सहायक भी होते हैं, हर तरह से समझाते हैं कि केस में हमारा लाभ है। आप सभी जानते हैं कि हम किसी मुकदमे को लंबे पेचीदियों से, बारीकियों से, टेक्निकलिटीज से लड़ते लड़ते कभी कभी बहुत लंबा समय लग जाता है। उससे बचत का, समय की बचत होती है, सम्मान की बचत होती है, गौरव की आपकी बचत होती है और मर्यादाओं की।
भागलपुर के शाहकुंड असरगंज मुख्य मार्ग पर शनिवार को टाटा मैजिक और ऑटो के बीच जबरदस्त टक्कर हो गई। इस घटना में ऑटो में सवार साधपुर गांव निवासी सालिग्राम यादव की पत्नी बबीता देवी की मौत मौके पर ही हो गई, जबकि चार लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। स्थानीय लोगों की मदद से सभी घायलों को भागलपुर के शाहकुंड असरगंज मुख्य मार्ग पर शनिवार को टाटा मैजिक और ऑटो के बीच जबरदस्त टक्कर हो गई। इस घटना में ऑटो में सवार साधपुर गांव निवासी सालिग्राम यादव की पत्नी बबीता देवी की मौत मौके पर हो गई, जबकि चार लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। स्थानीय लोगों की मदद से सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना को लेकर बताया जा रहा है कि बच्चे का मुंडन कराने परिवार के सदस्य ऑटो से हवेली खड़गपुर जा रहे थे। इसी दौरान बनारसी शर्मा कॉलेज के समीप तेज रफ्तार टाटा मैजिक ने ऑटो में टक्कर मार दी। घटना के बाद स्थानीय लोग आक्रोशित हो गए और मुख्य सड़क मार्ग को घंटों जाम कर दिया। जाम की सूचना मिलते ही CI अभिनंदन सिंह पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और आक्रोशित लोगों को बुझाकर शांत कराया। भागलपुर सुल्तानगंज नई सीढ़ी घाट के समीप नकली कपड़े बेचे जाने की सूचना पर शनिवार को छापेमारी की गई। इस दौरान भारी मात्रा में अमन रेडीमेड से अमूल कंपनी का डुप्लीकेट कपड़ा बरामद किया गया। वहीं पुलिस ने दुकान संचालक मोहम्मद अफदर को गिरफ्तार कर लिया है। मामले को लेकर बताया जा रहा है कि श्रावणी मेला को देखते हुए अमन रेडीमेड दुकान में नकली गंजी का स्टॉक किया गया था, जिसकी सूचना कंपनी के अधिकारियों को मिली, जिसके बाद कंपनी के मार्केटिंग मैनेजर ने सुल्तानगंज पुलिस को अमूल कंपनी के डुप्लीकेट प्रोडक्ट बेचे जाने की सूचना दी। वहीं सुल्तानगंज थाना अध्यक्ष रामप्रीत कुमार ने कंपनी के अधिकारियों के साथ घाट रोड स्थित दुकान में छापेमारी की। छापेमारी के दौरान पुलिस ने भारी मात्रा में नकली गंजी को बरामद करते हुए संचालक को गिरफ्तार कर लिया। भागलपुर DRDA सभागार में जिलाधिकारी प्रणव कुमार की अध्यक्षता में शनिवार को जिला विकास समन्वय समिति की समीक्षात्मक बैठक आयोजित हुई। बैठक में मुख्यमंत्री हर घर नल का जल योजना के तहत सभी BDO को अविलंब कार्य प्रारंभ करवाने, सभी प्रखंडों एवं वार्ड में MB बुक कराने और मुख्यमंत्री गली नाली योजना के तहत गली की चौड़ाई 8 फीट करने के बाद ही ढलाई करने का निर्देश DM ने दिया। DM ने कहा कि गली नाली एवं नल जल योजना की प्रगति संतोषजनक नहीं है और सभी इसमें अविलंब तेजी लाए। साथ ही कहा कि 15 जुलाई से 15 अगस्त तक स्वच्छ बिहार सुंदर बिहार अभियान चलाया जाए। DM ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 2016-17 और 17-18 के लंबित आवास की स्वीकृति के लिए कार्रवाई करने की बात कही। बैठक में विकास योजनाओं से जुड़े कई कार्यों की समीक्षा की गई और संबंधित अधिकारियों को कई दिशा निर्देश दिए गए। इस मौके पर DDC सुनील कुमार, DRDA डायरेक्टर समेत कई विभाग के पदाधिकारी एवं जिले के सभी प्रखंड के प्रखंड विकास पदाधिकारी मौजूद थे। श्रावणी मेला का शुभारंभ होने में सिर्फ 2 दिन ही बचे हैं, लेकिन अभी तक गंगा घाट कांवरियों के लिए तैयार नहीं हो पाया है। विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला का उद्घाटन 16 जुलाई को होना है, लेकिन कांवरियों के आने का सिलसिला अभी से ही शुरू हो गया है, पर अब तक गंगा घाट सही से तैयार नहीं किया जा सका है, जिससे कांवरियों को स्नान करने में काफी परेशानी हो रही है। नई सीढ़ी घाट एवं जहाज घाट पर बड़ी बड़ी दरार पड़ी है, मिट्टी का कटाव जारी है और खानापूर्ति के तौर पर काम किया जा रहा है। वहीं घाट से निकलकर मुख्य सड़क पर जाने के लिए कच्ची सड़क पर भी काफी कीचड़ है, जिससे कांवरियों को चलने में काफी परेशानी हो रही है। भागलपुर कोतवाली चौक के समीप शनिवार को भाजपा प्रदेश कार्य समिति सदस्य डॉक्टर प्रीति शेखर एवं पूर्व जिला अध्यक्ष नरेश चंद्र मिश्रा के नेतृत्व में सदस्यता अभियान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में काफी संख्या में युवा एवं आम नागरिक शामिल हुए और भाजपा कार्यकर्ताओं की मदद से पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। इस दौरान प्रीति शेखर ने कहा कि भाजपा एक ऐसी पार्टी है जो राष्ट्र की सुरक्षा एवं उन्नति के प्रति पूरी तरह समर्पित है। उन्होंने कहा कि 6 जुलाई से देश भर में भाजपा के द्वारा संगठन सदस्यता अभियान चलाया जा रहा है। नरेश चंद्र मिश्रा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास के साथ आगे बढ़ रहा है। इस मौके पर सुधीर भगत, मनीष मिश्रा, सूरज शर्मा, मनीष दास समेत कई कार्यकर्ता मौजूद थे। पूरे देश में ये देशव्यापी अभियान पार्टी का चल रहा है और इसमें 6 तारीख से प्रारंभ हुआ है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इस सदस्यता अभियान का प्रारंभ किया और उस समय से हर शक्ति केंद्र पर, हर बूथ पर, हर मंडल स्तर पर ये कार्यक्रम चलाया जा रहा है। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए Silk TV।
ऑक्सीमीन ग्रुप ऑफ कंपनीज आपके लिए लेकर आए हैं प्लॉट्स आसान मासिक किस्तों पर। स्टेट हाईवे के पास गोनूधाम और जगदीशपुर में 14,000 और 18,000 की आसान किस्तों पर। ऑक्सीमीन ग्रुप ऑफ कंपनीज सिकंदरपुर नियर पानी टैंकी भागलपुर। मोबाइल नंबर 7079446584 8430075573। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं सिल्क टीवी। आइए देखते हैं अगली खबर। भागलपुर समाहरणालय द्वार के समीप शनिवार को परिवहन विभाग की ओर से वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया। वाहन चेकिंग के दौरान चौराहे से गुजरने वाले दो पहिया वाहन चालकों को रोककर कागजातों की जांच की गई। इस दौरान MVI ने बिना हेलमेट लाइसेंस ट्रिपल लोडिंग के साथ आवश्यक कागजातों के नहीं रहने पर जुर्माना लगाया और आगे से ट्रैफिक नियमों के साथ आवश्यक कागजातों के बिना पकड़े जाने पर कड़ी कानूनी कार्रवाई करने की हिदायत भी दी। MVI ने कहा कि चार पहिया वाहनों में सीट बेल्ट कर चलना अनिवार्य है, जबकि दो पहिया वाहन चालक के लिए हेलमेट पहनना अनिवार्य है, इससे उनकी सुरक्षा जुड़ी है। वहीं DTO की निगरानी में शहर के अन्य जगहों पर भी वाहन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। इधर कई युवाओं ने चेकिंग के दौरान आवश्यक कार्यों का हवाला दिया, लेकिन MVI ने ट्रैफिक नियम एवं सुरक्षा के मामले में कोताही नहीं बरतने की बात कही। राज्य सरकार का एक अभियान है, सतत चलता है, प्रत्येक शनिवार को खासतौर से इसमें सीट बेल्ट और हेलमेट का विशेष रूप से जांच किया जाता है। इसके साथ साथ बगल के राज्यों में निबंधित लग्जरियस गाड़ियों की भी हम लोग जांच करते हैं, क्योंकि ऐसा पाया गया है कि महंगी गाड़ियों का निबंधन लोग टैक्स कम होने के कारण बिहार के वासी भी झारखंड में करा लेते हैं और परिचालन यही करते हैं। तो ये तीन बिंदुओं पर राज्य सरकार के निर्देश के अंतर्गत प्रत्येक सप्ताह शनिवार को हम लोग जाँच करते हैं। बिहार बोर्ड द्वारा भागलपुर मारवाड़ी कॉलेज का इंटर नामांकन में कोटा समाप्त कर दिया गया है। बोर्ड ने कॉलेज प्रशासन की लापरवाही के कारण कोटा समाप्त किया है। वहीं इस मामले को लेकर कॉलेज प्राचार्य प्रोफेसर गुरुदेव पोदार ने बिहार बोर्ड से पत्राचार शुरू कर दिया है। प्राचार्य ने कहा कि बोर्ड ने आश्वासन दिया है कि जल्द ही मारवाड़ी कॉलेज समिति का कोटा उपलब्ध करा दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कोटा समाप्त हो गया है, माना गलतफहमी के कारण जो है यहाँ से जो सूची पहले भेजी जा चुकी थी कार्यालय के द्वारा, महाविद्यालय के द्वारा, उसमें त्रुटि रह गई थी। उस त्रुटि के चलते सही ढंग से नहीं जा पाया था, तो उसमें सुधार करने के लिए हमने कुलपति महोदय से भी निवेदन किया और बिहार बोर्ड के ऑफिस से भी। बिहार बोर्ड के ऑफिस को अभी तक मैं 4 पत्र भेज चुके हैं, लगभग ईमेल और डाक के द्वारा स्पीड पोस्ट से भी। ऑल इंडिया मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट एसोसिएशन की ओर से भागलपुर में सभा का आयोजन किया गया, जिसमें बिहार राज्य प्रदूषण पार्षद एवं एमाल्टा के संयुक्त अभियान के तहत सरकारी एवं गैर सरकारी लैब टेक्नोलॉजिस्ट को बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी दी गई। साथ ही इसके दुष्प्रभाव से बचने के लिए प्रशिक्षित भी किया गया। इस दौरान एमाल्टा के प्रदेश सचिव देवेंद्र प्रसाद ने गुणवत्तापूर्ण रिपोर्ट और प्रदूषण मुक्त समाज के लिए संकल्प दिलाया। भागलपुर सजौर स्थित इंटर स्तरीय हाई स्कूल से 2019 में पास आउट छात्राओं ने प्रोत्साहन राशि भुगतान को लेकर शनिवार को जिला अल्पसंख्यक कल्याण कार्यालय में आवेदन दिया। इस दौरान छात्राओं ने कहा कि वे सभी 2019 इंटर की परीक्षा में प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण हुई हैं, लेकिन विभाग से अब तक प्रोत्साहन राशि नहीं मिली है और इसी को लेकर जिला अल्पसंख्यक कल्याण कार्यालय में आवेदन देकर अविलंब राशि भुगतान की मांग की है। हालांकि इस दौरान जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी के कार्यालय में मौजूद नहीं होने के कारण छात्राओं ने कार्यालय कर्मी को आवेदन सौंपा। अपोलो ग्लेनेगल्स हॉस्पिटल कोलकाता की ओर से शनिवार को भागलपुर के स्थानीय होटल में बोन मैरो ट्रांसप्लांट को लेकर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में सीनियर कंसल्टेंट हेमाटोलॉजिस्ट एंड हेमाटो ऑन्कोलॉजिस्ट डॉक्टर अनुपम चक्रपाणी ने प्रोजेक्टर के माध्यम से बोन मैरो ट्रांसप्लांट से संबंधित जानकारी दी। उन्होंने बोन मैरो ट्रांसप्लांट के कई केस की जानकारी देते हुए कहा कि बोन मैरो ट्रांसप्लांट को स्टेम सेल ट्रांसप्लांट भी कहा जाता है और स्टेम सेल डोनेट करने से डोनर को किसी प्रकार का नुकसान नहीं होता है। वहीं इस दौरान एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन कर डॉक्टर अनुपम चक्रपाणी ने कहा कि अपोलो ग्लेनेगल्स में प्रत्येक वर्ष कई मरीजों का बोन मैरो ट्रांसप्लांट किया जाता है। इसमें आवश्यक उपकरणों के साथ कई डॉक्टर्स की पूरी यूनिट शामिल होती है। साथ ही सरकार द्वारा इसके इलाज के अनुदान की राशि भुगतान की जाती है और बीमारी का पता चलने पर मरीज पूरी तरह से स्वस्थ हो जाता है। इस मौके पर DGM गौतम बंदोपाध्याय एवं सुकांत पाइक मौजूद थे। बीमारी हो नहीं उसके लिए एक
हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस बोल के एक टेस्ट होता है, जो सिंपल एक ब्लड टेस्ट है, जो कि हर नौजवान को, स्त्री हो या पुरुष, शादी के पहले या शादी के बाद, बच्चा होने से पहले, जैसे प्रेगनेंसी में हम लोग ब्लड ग्रुप चेक करते हैं, हेपेटाइटिस बी चेक करते हैं, VDRL टेस्ट करते हैं, उसी तरह से ये हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस दैट इज HPLC टेस्ट करना चाहिए, और उसी से ये बीमारी पता चल जाता है कि फादर मदर में है कि नहीं। और अगर दोनों इस बीमारी से ग्रसित है, मतलब वाहक हैं या कैरियर हैं, तो उनके जब प्रेगनेंसी होती है तो 10 हफ्ते के जब पेट में बच्चा होता है तो हम लोग वहाँ से पानी निकाल के दैट इज एमनियोसेंटेसिस करके उस पानी से हम बता सकते हैं कि वो बच्चा अफेक्टेड है कि नहीं, और अगर अफेक्टेड रहता है तो उसको एबॉर्शन करना चाहिए, अगर हेल्दी है तो उसको कंटिन्यू करना चाहिए, और इस तरह से हम लोग इस बीमारी को पूरी तरह से कंट्रोल कर सकते हैं। भागलपुर मुस्लिम माइनॉरिटी इंटर कॉलेज के लगभग 2 दर्जन से अधिक शिक्षक और कर्मचारियों को पिछले 8 माह से वेतन का भुगतान नहीं हुआ है, जिसके कारण इन लोगों के सामने आर्थिक समस्या उत्पन्न हो गई है। कॉलेज के शिक्षक खुर्शीद आलम ने बताया कि 1 माह में मात्र 1760 रुपये मिलते हैं और वह भी पिछले कई माह से नहीं मिला है। साथ ही EPF की काटी गई राशि का कॉलेज प्रबंधन कोई हिसाब किताब नहीं दिखा रहा है। शिक्षक खुर्शीद की माने तो कॉलेज प्रशासन को एडमिशन और फॉर्म से मोटी कमाई होती है, इसके बावजूद कर्मचारी को समय से वेतन भुगतान नहीं किया जाता है। 5 अप्रैल 2004 से हम सेवा दे रहे हैं। शुरू में हम लोगों को 700 रुपये महीना मिलता था, अब वो बढ़ते बढ़ते 1760 रुपये पर आया है। 8 महीने से हम लोग को पेमेंट नहीं हुआ है, माने हम लोग दाने दाने के लिए तरस रहे हैं, बीवी बीमार है, इलाज के लिए पैसे नहीं, हर तरह बच्चा पढ़ नहीं पा रहा, माने कोई ऐसी परेशानी नहीं है जो हो नहीं रही। हर परेशानी से हम शिक्षक या नॉन टीचिंग स्टाफ सब गुजर रहे हैं, और जो है प्रिंसिपल साहब को जो बात कहते हैं या कमेटी तक बात पहुंचाते तो वहां कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। वहीं इस मामले को लेकर जब कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर मोहम्मद तबरेज अहमद से बात की गई तो उन्होंने कहा कि वर्ष 2011 के बाद कॉलेज को सरकार से अनुदान नहीं मिला है, फिर भी आंतरिक स्रोत से शिक्षक और कर्मचारियों को भुगतान किया जाएगा। प्राचार्य ने बताया कि सभी कर्मी और शिक्षक की EPF राशि समय से जमा की जाती है, साथ ही सभी का ESIC कार्ड भी बना दिया गया है। प्राचार्य की माने तो कॉलेज की नई बिल्डिंग निर्माण होने के वेतन भुगतान में विलंब हुआ है। हाँ, ये बात तो सही है कि 8 महीना से वेतन का भुगतान नहीं हुआ है कर्मचारियों को, लेकिन वेतन देने की प्रक्रिया जारी है। चूंकि महाविद्यालय का जो अभी छत का ढलाई वगैरह हुआ था, जिस वजह से पूरा शासी निकाय वगैरह थोड़ा डिस्टर्ब था ढलाई के लिए, महाविद्यालय का जो मापदंड है वो पूरा नहीं हो रहा था, जिस वजह कर कुछ लैब जो हमारा था बायोलॉजी फिजिक्स केमिस्ट्री 47 वर्ग मीटर का है, और बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को 50 वर्ग मीटर का लैब चाहिए था, जिस वजह फर्स्ट पहले हमने 4 ढलाई 50-50 वर्ग मीटर का ऊपर में लैब का अपना ढलाई किया। PF हर एम्प्लॉय का रेगुलर कटा जा रहा है, जिसका मेरे पास पूरा प्रूफ है, कोई भी आकर के देख सकते हैं। बिहार में चमकी बुखार से हो रहे बच्चों की मौत का सिलसिला जारी है। शनिवार को बांका में चमकी बुखार से 1.5 वर्षीय मासूम की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि 2 दिनों से बच्चे की तबीयत खराब थी, जिसमें चमकी बुखार के लक्षण दिखाई दिए जाने के बाद परिजनों ने बौसी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसकी मौत हो गई। और अंत में चलते चलते एक बार फिर से नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस स्पॉन्सर्ड बाय ऑक्सीमीन ग्रुप ऑफ कंपनीज प्लॉट्स आसान मासिक किस्तों पर। भागलपुर में राष्ट्रीय लोक अदालत का हुआ आयोजन, हजारों वादों का ऑन द स्पॉट हुआ निष्पादन। ऑटो और मैजिक के बीच भीषण टक्कर में 1 की मौत, 4 की हालत गंभीर, आक्रोशित लोगों ने किया सड़क जाम। रेडीमेड दुकान में पुलिस का छापा, भारी मात्रा में अमूल कंपनी की नकली गंजी बरामद, दुकानदार गिरफ्तार। विकास योजनाओं को लेकर DRDA सभागार में हुई बैठक, DM ने सभी BDO को कार्य में तेजी लाने के दिए निर्देश। और 17 जुलाई से शुरू होगा विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला, गंगा घाट पर तैयारी अधूरी, कांवरियों को होगी परेशानी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, नमस्कार।